खरगोन के वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित का दिल्ली में भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। खरगोन पत्रकार जगत में खुशी का माहौल है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के पूर्व चेयरमैन रहते पुरोहित के द्वारा किए गए काम पर दिल्ली में फास्टेड काउंसिल ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया था। इस दौरान फास्टेड काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली के लोदी रोड स्थित आईआईसीसी भवन में वार्षिक समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। इस दौरान पत्रकारों में हर्ष व्याप्त है। पत्रकारों ने स्थानीय पुराने पीआरओ कार्यालय परिसर में पुरोहित का सम्मान किया। डिजियाना न्यूज ने फास्टेड काउंसिल ऑफ इंडिया के दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री पुरोहित के सम्मानित होने पर बात की। मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित का कहना था कि ये सम्मान खरगोन शहर का, मेरे पत्रकार साथियों और मध्य प्रदेश रेडक्रॉस के सभी सदस्यों का सम्मान है। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दिल्ली में फास्टेड काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस दौरान मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी का, जब मैं 2018 से 2021 तीन साल तक का चेयरमैन रहा था, उस दौरान जो काम कोरोना काल में किए गए थे विशेष रूप से, उसको लेकर काउंसिल के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं, मेरे अपने पत्रकार साथियों का सम्मान है और खरगोन शहर का सम्मान है कि निश्चित ही दिल्ली में जिस प्रकार से सम्मानित किया गया है, कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार साथियों, विशेष रूप से जो रेडकास्ट के मेरे खरगोन के साथी हों, चाहे भोपाल के साथी हों, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के साथी हों, उनके द्वारा जो काम किया गया था और हम हिंदुस्तान में हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी कोरोना काल में दूसरे स्थान पर थे, उसी को लेकर मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं शबाब आलम जो काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में बुलाया और इस प्रकार सम्मानित किया गया। और खास रूप से जो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें मेरे द्वारा ये बात रखी गई कि अगर हॉस्टेड के क्षेत्र में हम लोग अगर बच्चों को प्रारंभिक जो शिक्षा होती है 12वीं तक, इसको अनिवार्य अगर सरकार कर देती तो निश्चित ही हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य लचर स्वास्थ्य सुविधा है वो बेहतर होगी और आने वाले जो भविष्य वो भी उज्जवल होगा। एक छोटे से शहर से निकल के राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मेरा सम्मान नहीं, मेरे अपने जो साथी हैं, आप जानते हैं कि मैं जब रेडक्रॉस का चेयरमैन भी तीन साल रहा, उस दौरान भी मैंने पत्रकारिता करी और आप सभी लोगों के साथ खरगोन शहर में खबरें बनाई है और आगे भी पत्रकारिता ही मेरा पेशा है। लेकिन जो ये सम्मान हुआ है, मैं निश्चित ही मानता हूँ कि ये सभी लोगों को ये मैं बोलना भी चाहूंगा कि अपना कर्म करते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपने आप ही ऊपर वाला है जो आशीर्वाद देता है। ये पूर्वजों का और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज राष्ट्रीय काउंसिल की एक बैठक थी और उसमें मुझे सम्मानित किया गया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।